कांग्रेस के लिए एक तरीके से टेंशन बढ़ाने वाली खबर कह सकते हैं। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है। बागी विधायक राजेंद्र राणा ने एबीपी न्यूज से कहा, हमारे साथ कई और भी विधायक हैं। राजेंद्र राणा अयोग्यता का फैसला अवैध, उनका यह कहना था। बागी विधायकों का 7 दिन का नोटिस नहीं दिया गया, ये बात भी रखी गई है। नोटिस 1 दिन पहले ही जारी किया गया। अगर यह कांग्रेस का हाल भी आपको नजर आ रहा है तो अब सवाल यह भी पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन है जिम्मेदार। क्या हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी की खबर नहीं थी? सवाल यह भी कि क्या गुटबाजी की खबर के बाद भी आला कमान सोता रहा, वक्त रहते सक्रिय क्यों नहीं हुआ? यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या सोनिया गांधी को पहले हिमाचल से राज्यसभा जाना था? क्या पहले यह तय कर दिया गया था? उसके बाद सोनिया गांधी को हिमाचल से राजस्थान क्यों शिफ्ट किया गया? क्या अंदर खाने इस तरीके के संकेत मिलने लगे थे कि गड़बड़ी हो सकती है? कांग्रेस आलाकमान पहले ही हरकत में क्यों नहीं आता है? क्यों इंतजार किया जाता है कि स्थितियां इस कदर खराब हो जाएं? बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे तभी एक्टिव क्यों नहीं हुई कांग्रेस? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। पार्टी में बिखराव के बाद आलाकमान हरकत में क्यों आता है, जैसा कि उदाहरण कई राज्यों में आपने देखा? क्या बागियों को बीजेपी से बड़ा ऑफर नहीं दे सकती थी कांग्रेस? 14 महीने से लगातार शिकायत पर भी आलाकमान क्यों सोता रहा? क्या इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था? सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, ये तमाम सवाल हैं और इन सब के बीच अहम बात ये, जैनेन्द्र शायद कुछ कहना चाह रहे हैं उनके साथ। हाँ जैनेन्द्र जी, बोलिए। देखिए अखिलेश, बहुत बड़ी खबर है शिमला में मुख्यमंत्री आवास से। समझौते का फॉर्मूला निकाल लिया गया है, पेंच सुलझ गया है और यही एकजुटता का संदेश देने के लिए अब से कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मुख्यमंत्री आवास के अंदर। उसकी तैयारियां हम आपको दिखा देते हैं। हमें भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर बुला लिया गया है और ये देखिए आगे जो है 6 से 7 कुर्सियां लगी हैं। इसमें पर्यवेक्षक, प्रभारी और इसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ में प्रतिभा सिंह बैठेंगे। पीछे तकरीबन 30 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं और उस पर तमाम विधायक कांग्रेस के बैठेंगे। और अभी आपको कुछ जो बैठे हुए आपको नजर आ रहे कुर्सियों पर, ये सभी हिमाचल कांग्रेस के विधायक हैं। तो तकरीबन 2 दिनों की तनातनी के बाद अब आज कांग्रेस हिमाचल में एकजुटता का संदेश और एकजुटता की तस्वीर देने की कोशिश करेगी अब से कुछ देर में। और डीके शिवकुमार, जिन्होंने इससे पहले भी कई मामलों में पार्टी को संकट से उबारा है, एक बार फिर संकट मोचक साबित हुए हैं। उन्हें तो जैनेन्द्र जरा ये बताइए, सुलह क्या हुई है, क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है? अखिलेश, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, लेकिन वो प्रतिभा सिंह जो सुबह मुख्यमंत्री आवास पर नहीं पहुंची अपने बेटे के साथ, वो बाद में डीके शिवकुमार के मनाने के बाद पहुंची मुख्यमंत्री आवास पर और अगर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रही हैं, यानी साफ है कि फिलहाल के लिए बात अंदर खाने बन गई है। हालांकि ये कब तक टिकेगी एकता, ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा, खाई बहुत गहरी है। क्या सस्पेंस बरकरार है ये माना जाए, या मामला बिल्कुल सुलझ गया है ये हम कह सकते हैं कंफर्म तौर पर? अखिलेश, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये अदावत बहुत पुरानी है। ये वीरभद्र सिंह और जब मुख्यमंत्री थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष थे, तब से चली आ रही है। और अगर पिछली बात करें तो 1 साल पहले जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने सुक्खू, तब से ही चली आ रही है। एक दिन में, एक मीटिंग में नहीं सुलझेगी। लेकिन फिलहाल जो संकट उभरा था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर खाने बात बन गई है। तभी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे ही कोई और जानकारी आपके पास आएगी मैं लौटूंगा आपके पास, हमें बताइएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन अभिषेक, एक बात जो साफ तौर पर नजर आती है, जो लबो लुभाव है इस पूरे घटनाक्रम पर, आप नजर डालें और भी कई राज्यों में इसके पहले जो हाल हुआ कांग्रेस का, आला कमान जैसी जो संस्था वहां पर कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, वो अब कमजोर हो चली है। इसमें दो राय नहीं हो, देखिए जो जैनेन्द्र बता रहे हैं वही सच्चाई है। डीके शिवकुमार का मैं, और ये बात मैंने इसके पहले भी कही थी कि डीके शिवकुमार पे काफी कुछ दारोमदार है, चूंकि जो ओबेरॉय होटल में जहां बैठक हुई है वहां डीके शिवकुमार ही मौजूद थे और प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सीएम आवास नहीं गए, वो वहीं पर आए और उन्होंने क्या ऑफर किया यह भी सामने आएगा। लेकिन आला कमान नहीं सफल हुआ, दिल्ली से फोन आए, किसी ने नहीं सुना और उस फोन आने के बाद भी नाराजगी, और नाराजगी देखिए उसकी वजह भी थी क्लियर। प्रतिभा सिंह ने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार और नाम ले लेके बताया किसके किसके
पास जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यही जो है कहानी यूपी से भी सुनाई पड़ रही है, यही कहानी दूसरे राज्यों से भी सुनाई पड़ रही है। जहां जहां बगावत हो रही है वहां कहानी यही सामने आ रही है कि आलाकमान में कोई ऐसा तंत्र नहीं है जहां पर वो बात अपनी पहुंचा सके। ये निश्चित तौर पर आत्मचिंतन का मसला है कांग्रेस के लिए। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो, और उसका मजबूत होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो आलाकमान और नीचे जो असंतोष धड़े हैं उनके बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक चिंता का विषय है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।